नमस्कार, मैं निशी भाटिया और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आज हम मौजूद है राजधानी में, जहां जानेंगे तमाम ऐसी बातें, क्योंकि चुनाव आ चुके हैं और चुनाव के बीच जो उभरते मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं कि इस बार कौन सी पार्टी अब भारी मतों से जीतने वाली है, क्योंकि चुनाव की मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं राजनेताओं के जो चेहरे हैं उनको उनका एक परसेंटेज निकाल रहे हैं कि क्या ये लोग आगे आ सकते हैं, क्या हो सकता है इस बार कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। इसको लेकर आज हम यहाँ मौजूद हैं और आज का जो विशेष मुद्दा रहने वाला है कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए या नहीं, गैरसैंण राजधानी होगी या देहरादून, इस ऐसे तमाम मुद्दे लेकर आज हम लोगों के बीच मौजूद है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है, गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए या देहरादून? गैरसैंण राजधानी, देहरादून ही राजधानी होनी चाहिए। और 20 साल हो गए, अब राजधानी का कोई औचित्य नहीं बदलने का। अगर होती तो बहुत पहले होती, 20 साल पहले इसको राजधानी बना देते, वो गैरसैंण को राजधानी बनाते थे। और वैसे तो 6 महीने ये और 6 महीने देहरादून राजधानी, 6-6 महीने के लिए बन जाए, ज़्यादा अच्छा है। तो आपका लगता है जैसा अभी चल रहा है वैसे ही चलेगा? ऐसे ही चलता रहेगा अभी। तो आपके लिए कोई ये चुनावी मुद्दा नहीं होने वाला इस बार? नहीं है, ये चुनाव मुद्दा कोई नहीं है। चुनाव मुद्दा तो लोगों ने अलग ही रखे हुए हैं। तो लेकिन राजनेताओं की बात अगर जो सबके मैनिफेस्टो में देखी जाए, ये बात तो सबने ये चीज मेंशन की है कि राजधानी को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया जाएगा, गैरसैंण को राजधानी बनाया जाएगा। केवल पहाड़ की राजनीति करने के लिए होता है और बाकी कुछ नहीं होता। बाकी वो 5 साल सोते रहते पहाड़ में, राजनेता जो है 5 साल सोते रहते हैं, 5 साल जगते तो ये पहाड़ के मुद्दे छूने शुरू कर देते। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जब राजनेता सो के उठते हैं तो वो कहीं ना कहीं देहरादून की बात सोचते हैं या फिर गैरसैंण की? उनका काम यही है, वो जगाता है पब्लिक को, जगाते गढ़वाली, मतलब गढ़वाल के लोगों को जगाते हैं। और की राजधानी, राजधानी हालांकि अब कुछ नहीं हो सकता, अरबों रुपए चाहिए राजधानी बदलने के लिए, करोड़ों अरबों रुपया। अच्छा। और जो कि अब उत्तराखंड के पास वैसे ही कर्जा बहुत है, हम तो यही चाहें कि अब राजधानी जैसी चल रही है चलनी चाहिए। हाँ, तो आपको लगता है कि जैसा मामला चल रहा है वो वैसे ही चलता रहे। तो मैं अभी आपके पास भी आती हूँ, पर मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके क्या विचार है इस चीज़ को लेकर कि देहरादून राजधानी हो या फिर गैरसैंण। देखिए, पहला मुद्दा तो गैरसैंण राजधानी का ही था और अभी वर्तमान में भी गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए उत्तराखंड के विकास के दृष्टिकोण से, क्योंकि गैरसैंण जो है आपका कुमाऊं और उत्तर गढ़वाल के बीच मध्य में स्थित है और मूलतः जो गढ़वाल की उत्तराखंडियत थी और उसके विकास के अनुसार था, मूल भावना थी उत्तराखंड के वासियों की, उसके अनुसार से पहाड़ में ही गैरसैंण में ही राजधानी स्थित होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि चुनाव के समय ही ये गैरसैंण राजधानी का मुद्दा उठता है और इस पर पूरे 5 साल तक कोई इस पर विचार नहीं करता है। तो आपको लगता है कि अगर कोई भी सरकार आए तो सबसे पहले यही काम करेगी, आपको लगता है पार्टी ऐसा करने वाली है वाकई में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार गंभीरता से इस चीज़ को करेगी। लेकिन फिर भी राजनीतिक दृष्टिकोण से पहाड़ी मूल वोटरों को प्रभावित करने के लिए, जैसे अभी आपका सदन में स्थापित कर दिया है कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र होता है और ये सब चीज़ होता है, लेकिन ये नहीं है, ये उचित नहीं है। मूलतः राजधानी पहाड़ में ही होना चाहिए, गैरसैंण में ही होनी चाहिए, क्योंकि ये संघर्ष भी उत्तराखंड के का जो हुआ था वो गैरसैंण की ही भावना थी। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इस पर राजनीति खेली जा रही है? पूर्णतः और राजनीति ही है ये। तो आपको लगता है ये एक मुद्दा हो सकता है या फिर नहीं, इस पर कोई वोट बंटवारे नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए और जो उत्तराखंड के वोटर हैं वो भी उत्तराखंड के विकास और पहाड़ के, मूलतः पहाड़ के विकास के लिए इसको मुद्दा बनाना चाहिए और उसके आधार पे वोट भी डालना चाहिए कि गैरसैंण राजधानी हो। जी, तो मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि देहरादून राजधानी हो या गैरसैंण? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ये जो भी मैंने अपने समय में, अपने जो भी एक्सपीरियंस से और जो भी अभी तक के समय से विभिन्न चुनावों में मैंने देखा है, उसमें यही है कि ये मुद्दा हर बार उछलता ज़रूर है, लेकिन अंततः मेरा यही मानना है कि विकास का जो मूल मतलब है वो राजधानी बनाने से नहीं है। क्योंकि हमने कहीं ऐसी जगहें देखी हैं जो कि राजधानी भी है पर उनमें विकास का कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हमको विकास देखने को नहीं मिला है। आप देहरादून में भी देखेंगे, कुछ क्षेत्र जरूर ऐसे हैं जो विकसित क्षेत्र हैं, लेकिन सभी क्षेत्र को विकसित क्षेत्र में नहीं हम बता सकते हैं। अब जैसे चुनाव होगा फिर गैरसैंण का मुद्दा कोई ना कोई पार्टी सभी अपने मैनिफेस्टो में भी डालेंगी, लेकिन उसका विकास से कितना मतलब है ये एक चिंतन का विषय है। क्योंकि देखने में अल्टीमेटली यही आया है कि पहाड़ के लोग जो हैं, जिनकी भावना बेशक उत्तराखंडियत की भावना जैसा कि सर ने भी बताया है, ज़रूर है, और उत्तराखंड को बनाने में, उत्तराखंड के आंदोलन में उत्तराखंड के क्रांतिकारियों का पहाड़ से महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन राजधानी
बनाने का खाली उत्तराखंडियत से मतलब नहीं है, क्योंकि राजधानी बनाने के अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। गैरसैंण भौगोलिक दृष्टि से, क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से गढ़वाल और कुमाऊं के बिल्कुल बीच का क्षेत्र है, और वो एक ऐसा क्षेत्र है जो कि क्लाइमेटिकली थोड़ा सा अनसुटेबल हो सकता है इतने ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए। लैंडस्लाइड का खतरा है, बर्फबारी के खतरे हैं और खराब मौसम के खतरे हैं, जो कि आप जैसे युवा हैं तो आपने ज्योग्राफिकल एक व्यू दिया है कि राजधानी देहरादून होनी चाहिए गैरसैंण के मुताबिक। मात्र ज्योग्राफिकल की बात ही नहीं मैं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि ज्योग्राफिकल भी है नो डाउट। एक और भी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि गैरसैंण की जो जनसंख्या है वो मेरे ख्याल से 15-20 हज़ार होगी। देहरादून की जनसंख्या बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, और क्या इतनी जनसंख्या इतने विकास का प्रभाव झेल पाएगी, या क्या इतनी जनसंख्या इतना विकास, किस क्षेत्र में विकास चाहिए ये भी एक ज़रूरी बात है। विकास निसंदेह होना चाहिए, लेकिन विकास का लेना देना राजनीतिकरण के जरिए राजधानी से ना करें, ये मेरा मानना है जी। तो पर कहीं ना कहीं अगर चुनावी मुद्दों की बात करें तो हर किसी के मैनिफेस्टो में, आम आदमी पार्टी को ले लीजिए आप या फिर कांग्रेस या फिर भाजपा, तीनों ने अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ रखा है कि गैरसैंण राजधानी पर काम किया जाएगा चुनाव के बाद। तो इस पर युवाओं की क्या प्रतिक्रिया है, आम आदमी की क्या प्रतिक्रिया? देखिए मेरा तो यही मानना है कि राजधानी, गैरसैंण राजधानी के बारे में विषय चिंतन किया जाएगा, मनन किया जाएगा। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि गैरसैंण को राजधानी बना दिया जाएगा, क्योंकि गैरसैंण को राजधानी बना दिया जाएगा ये मैनिफेस्टो में डाल देंगे तो देहरादून का वोटर वोट नहीं करेगा। बेसिकली चार जिले जो प्लेन के हैं, उधमसिंह नगर है, देहरादून है, हरिद्वार है, यहाँ का वोटर वोट नहीं करेगा। और अगर ऐसा बोल दिया क्लियरली कि गैरसैंण को ही राजधानी बिल्कुल नहीं बनाएंगे तो पहाड़ का वोटर वोट नहीं करेगा। अल्टीमेटली वोटों की राजनीति है, सब लोग अपने वोटर्स को आकर्षित करने के लिए, आपको लगता है कहीं ना कहीं आकर्षित करने के लिए सिर्फ ढोंग रचा जा रहा है? बेशक बिल्कुल आकर्षित करने के लिए ढोंग रचा जा रहा है, और साथ ही साथ मेरा ये भी मानना है कि राजधानी तो देहरादून ही सही है कई विभिन्न विभिन्न कारणों के साथ, विभिन्न कारणों की वजह से। मैं आपके पास आती हूं, अभी पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका क्या मानना है कि राजधानी के नाम पर तुष्टिकरण की राजनीति जो चली आ रही है, तो उसमें ग्रीष्मकालीन राजधानी जो गैरसैंण है उसके बाद देहरादून, तो आपके हिसाब से कौन सी राजधानी होनी चाहिए? देखिए होनी तो चाहिए क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें एक राजधानी पर्वतीय क्षेत्र में होनी चाहिए और एक प्लेन में। लेकिन ये देखो ना कि 22 साल हो गए हमें उत्तराखंड बनाए हुए, 22 साल में चल रहा था ना काम, अभी देहरादून को तो डेवलप कर नहीं पाई है, गैरसैंण को डेवलप कैसे करेंगे? ये सिर्फ चुनाव के टाइम पे मुद्दा आता है ताकि पहाड़ी लोग उनको वोट कर सकें। जैसे हमारे राम मंदिर का मुद्दा चलता था, जब पूरे इलेक्शन होते थे तो राम मंदिर के नाम पर वोट लिए जाते थे, अब मोदी जी ने उसको सॉर्ट आउट कर दिया, मंदिर बन रहा है, तो इस बार कहीं राम मंदिर का कोई नाम नहीं है। लेकिन जो मुद्दा ये है कि राजधानी कहाँ होनी चाहिए, उसके लिए पहले भी हम दिल्ली जाते थे 250 किलोमीटर है, और अगर हम गैरसैंण को बनाएंगे 280 किलोमीटर है, लेकिन ये 280 किलोमीटर पहाड़ी क्षेत्र में है, ज़्यादा दूर पड़ेगा हमें, ठीक है ना। लेकिन हमें वहाँ के लोगों के लिए भी देखना है करने के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे विकास नहीं हो पाया देहरादून में। तो आपको लगता है कि देहरादून जब राजधानी है तो उसके बावजूद भी यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा है, तो गैरसैंण की बात दूर कहाँ? और अब स्मार्ट सिटी बोल रहे हैं ना, आप देखिए घंटाघर से आप पैदल चल के देखिए, आप गड़ी का ब्रिज देखिए, किसी भी जगह चले जाइए हो रहा है, आप एक दूसरे अच्छे क्षेत्र को भी खराब कर देंगे, वहाँ पे भी लोग पहुँचना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे भी बड़ी बड़ी अपार्टमेंट्स बनेंगे, कोई फ़ायदा ही नहीं। और वहाँ पे जो स्थिति है ना, वहाँ ट्रेन पहुँच सकती है ना, वहाँ पर कोई एयरपोर्ट है ना कुछ है, तो वो फिजिबल नहीं है। लेकिन एक अच्छा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा पैसा लगाते हैं तो मेरे हिसाब से होनी चाहिए एक राजधानी, गैरसैंण भी होनी चाहिए और देहरादून भी होनी। जैसे अभी चला आ रहा है, आप चाहते कि वैसे ही चला रहा, अभी तो कुछ नहीं चला रहा, अभी तो उन्होंने ऑन पेपर दे दिया ग्रीष्मकालीन डेवलपमेंट, तो वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। अगर आप अभी और हम अगर पहुंचना चाहें तो नहीं पहुंच सकते आराम। वाकई में जो हकीकत है वो यही है ना, ग्रीष्मकालीन राजधानी तो गैरसैंण है और शीतकालीन देहरादून को देखकर आने लगा। होनी चाहिए और इसको पक्का कर देना चाहिए जी। तो आपका क्या मानना है इस पर? देखिए केवल उत्तर के जो 5 जिले हैं वही गैरसैंण के लिए हल्ला कर रहे हैं, मेरी बहुत लोगों से बातचीत होती है। उत्तरकाशी का आदमी, टिहरी का आदमी, जौनसार का आदमी और श्रीनगर तक पौड़ी में भी वो बिल्कुल नहीं चाहता कि गैरसैंण राजधानी हो। वो सबके सब लोग देहरादून को ही पसंद करते हैं क्योंकि आने जाने की सुविधा है, ठहरने की सुविधा है, सारे आराम है। वहाँ गैरसैंण जाकर के आदमी को रात को सोने की जगह भी नहीं मिलने वाली अगर राजधानी पहुँच गई तो। दूसरे, अगर राजधानी का विकास किया जाता है तो पर्यावरण का जो सत्यानाश वहाँ पर होगा
अभी तो ये जो गैरसैंण राजधानी की मांग करते हैं वो साथ साथ पर्यावरण के लिए बहुत हल्ला करते हैं कि चार धाम रोड बनी है, पर्यावरण का इतना नाश हो गया, इतना वन कट गया, इतना ये हो गया। लेकिन राजधानी बनेगी जब वहाँ सारे जंगल कटेंगे और सारी जो इमारतें बनेंगी तो उससे पर्यावरण का नाश नहीं होगा क्या वहाँ पर? देहरादून के पर्यावरण का नाश करने के बाद आज 21 साल बाद कह रहे हैं कि राजधानी वहाँ ले जाओ। अगर राजधानी बननी थी तो नानद तिवारी जी जब थे तो वो बना सकते थे, और उसने बननी चाहिए तब तक ये देहरादून में इतने सारे सरकारी कार्यालय नहीं खुले थे। आज 50 साल हो गए गढ़वाल मंडल बने हुए, लेकिन आज तक गढ़वाल कमिश्नर उत्पौड़ी में जाकर नहीं बैठा, वो देहरादून से ही पूरा गढ़वाल का मंडल का काम देख रहा है। तो आपको लगता है कि जो पहाड़ी पहाड़ से जो उतरकर राजनेता आए हैं बने हैं वो कहीं ना कहीं देहरादून में ही रहकर अपना काम करते हैं? देहरादून पहाड़ में कोई नहीं जाता, सब देहरादून में ही रहते हैं, केवल चुनाव के टाइम में पहाड़ में वोट मांगने जाते हैं, और अधिकांश नेता तो अब पहाड़ की राजनीति भी देहरादून में ही कर रहे हैं। अच्छा। कोई डोईवाला से लड़ रहा है, कोई रायपुर से लड़ रहा है, कोई सहसपुर से लड़ रहा है, ये सारे पहाड़ के नेता यहीं मैदान में आकर लड़ रहे हैं। अच्छा। इन्हें पहाड़ जाने में भी दिक्कत है अब, ये केवल चुनावी शिगुफा है, कोई नहीं चाहता कि गैरसैंण में कोई राजधानी बने। तो मतलब कोई नहीं चाहता कि गैरसैंण राजधानी हो, देहरादून होनी चाहिए? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि देहरादून से बाहर जाए। अच्छा। हम लोगों का तो जीवन बहुत खराब कर दिया इस राजधानी ने। अच्छा। देहरादून से बाहर जाए, लेकिन ये राजनेता कभी भी नहीं जाएंगे और ना जाने देंगे। जी, तो मैं अब आपसे भी जान लेती हूँ कि आपकी क्या राय है कि राजधानी देहरादून होनी चाहिए या गैरसैंण? गैरसैंण होनी चाहिए। मैं आपको एक तथ्य बताता हूँ, सन 1948 में जवाहरलाल नेहरू जी ने जब राजधानी का चयन किया था ना, तो गैरसैंण जो है उस समय ग्रीष्मकालीन राजधानी भारत की होने वाली थी, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। जहाँ तक बात है कि गैरसैंण क्यों होनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ का दर्द ना पहाड़ में बैठ के ही जिया जा सकता है। अगर हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल में शिमला में राजधानी है, वहाँ पे ISBT भी पहाड़ में है, वहाँ पे तो कोई पर्यावरणीय नुकसान नहीं हुआ है। अगर गैरसैंण हो जाएगी, आप देखिए आज कई सारे सचिव हैं जो रिटायरमेंट की एज में हैं, वो गाँव में जाके अपना घर बना रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात थी तो जो हमारे सांसद हैं अनिल बलूनी जी, उन्होंने इगास का पर्व अपने गाँव में जाके क्यों मनाने के लिए बोला? अगर हम पहाड़ में रह के अपनी राजधानी नहीं बनाएंगे, पहाड़ की राजधानी, तो फिर यही हाल होगा जो देहरादून का, कि देहरादून के लिए कहा जाता है ना कि ये कैसी राजधानी है, ये हवा में जहर घुलता है, जहरीला सा पानी है, तो यही हाल होगा आने वाले 21 साल बाद। तो आपको क्या लगता है कि और क्या नुकसान हो सकते हैं अगर गैरसैंण को राजधानी बना दिया जाए? मुझे नहीं लगता कोई नुकसान होगा, मुझे लगता है फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अच्छा। अगर ये जो ऑल वेदर रोड वहाँ पे पहुँच रही है, तो अगर हम देहरादून को कहते हैं कि स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो टूरिस्ट कैपिटल ऑफ इंडिया हो जाएगी गैरसैंण जाने के बाद? हमारे चार धाम वहाँ पे हैं, हमारे विपासना के केंद्र वहाँ खुल सकते हैं, हमारे 5-स्टार होटल्स वहाँ खुल सकते हैं। 5-स्टार होटल खुलने का मतलब है कि वहाँ पे लगभग 150 से 500 लोगों का स्टाफ रहेगा, 500 लोगों का स्टाफ रहेगा तो स्वास्थ्य सुविधाएँ भी अच्छी होंगी, स्कूल्स भी खुलेंगे, लोगों के लिए रोज़गार के साधन भी बनेंगे। जो बाहर जो मेट्रो सिटीज़ में, अब खैर 4 मेट्रो ना हो के अब कम से कम हमारे यहाँ पे 50 से ज़्यादा मेट्रो सिटीज़ हो गए, वो मेट्रो सिटीज़ क्या बोलते हैं कि वो हर कोई, जैसे दिल्ली वाला है, हर यहाँ पे फ्राइडे को आ जाता है और राफ्टिंग करके चल जाता है, तो वो और ऊपर जाएगा। तो हम कहते हैं कि हमारा जो मेन जो आय का साधन है वो पर्यटन और धर्मस्व है, तो क्या वो फलीभूत नहीं होगा? जी, तो आपने कई फायदे जो गिना दिए, गैरसैंण अगर राजधानी बनती है तो उत्तराखंड का विकास होगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। निश्चित रूप से, बिल्कुल निश्चित रूप से। तो आपको क्या लगता है कि ये जो तीन चेहरे हैं, तीन पार्टियों के जो बड़े बड़े चेहरे हैं, वो तीनों ने यही दावा किया है कि हम गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे, पर लेकिन वाकई में हकीकत में कौन सी ऐसी पार्टी है जो इस पर काम करेगी? मुझे लगता है तीनों ने ना दीक्षित आयोग की रिपोर्ट ही नहीं पढ़ी। सन 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने जब ये बोला था कि हम सन 2000 में बनाएंगे, तो उस समय दीक्षित आयोग का चयन हुआ था कि राजधानी के लिए, उसने एक रिपोर्ट कितने साल बाद दी? क्या उस रिपोर्ट देने के बाद जब राज्यपाल जी को रिपोर्ट सौंपी थी, क्या इन तीनों चेहरों ने वो रिपोर्ट पढ़ी है? तो मुझे नहीं लगता ये इन तीनों पार्टियों में से कोई भी इतना गंभीर है। मुझे लगता है जन जागरण से ही राजधानी बनेगी, इनके अंदर, इन तीनों के अंदर कोई हिम्मत नहीं है बनाने। जी, तो जैसे कि आपने बहुत बड़ी बात कही कि जन जागरण से ही राजधानी गैरसैंण बन सकती है, वरना मुश्किल है, तो मैं आपसे भी इस बारे में तथ्य लेना चाहूंगी कि क्या वाकई में, अगर आपने जिस तरीके से मुझे बताया था कि गैरसैंण अगर राजधानी बनती है तो नुकसान क्या है, तो नुकसान क्या क्या है वो आप मुझे गिना सकते हैं? देखिए, मेरा तो बस ये कहना है कि राजधानी बनने से विकास को डायरेक्टली लिंक करना ठीक नहीं। जी, विभिन्न सरकारी दफ्तर जरूर वहां खुल जाएंगे,
विभिन्न युवाओं को वहाँ रोजगार मिलेगा, जरूर मिलेगा, इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन राजधानी को ही जरिया क्यों बनाया जाए विकास का? अगर कोई भी क्षेत्र किसी भी राज्य का विकास से पीछे रह जाता है तो क्या उसे राजधानी बना दिया जाए? उत्तर प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो विकास से बहुत पीछे हैं, कल को वो बोलेंगे हमें राजधानी बनाओ क्योंकि हम विकास से पीछे रह गए, हमारा भी उत्तर प्रदेश बनाने में योगदान था, तो क्या उन्हें राजधानी बना देंगे हम? कई सारी चीज़ें होती हैं राजधानी बनाने में, सिर्फ विकास एक मुद्दा जरूर है, बेशक विकास होगा वहाँ का, लेकिन मेरा ये कहना है कि वहाँ का विकास तो वैसे ही होना चाहिए ना, उसके लिए राजधानी क्यों बनाया जाए उसको? तो आपका कहीं ना कहीं जो तात्पर्य है वो ये कि तीन जो राजनेता अभी बड़े बड़े चेहरे उभर कर आ रहे हैं वो इन पर काम करेंगे या नहीं आपको लगता है? देखिए ये बात तो बिल्कुल निसंदेह मैं कह सकता हूँ कि तीनों में से कोई भी इस बारे में काम नहीं करेगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और ये कारण ये नहीं है कि हम ऐसे ही सुनते सुनाते देख रहे हैं, जैसा कि भैया ने कहा कि तथ्य भी कोई नहीं देखता है, सभी ये देखते हैं कि मैं कैसे लुभा सकता हूँ किसी को। जब कोई भी तीनों राजनेताओं में से कोई भी यहाँ से 100 किलोमीटर ऊपर चल जाएगा, 200 मीटर की हाइट ऊपर चल जाएगा तो वो पहाड़ की बात कर लेगा, जरा सा नीचे आएगा वो देहरादून की बात करेगा। क्यों ना वो राजनेता जो कि पहाड़ से चयनित होकर आते हैं, जो कि पहाड़ से ही चुन के आते हैं, क्यों वो देहरादून आके रहते हैं? क्यों नहीं वो वहाँ के विकास पर ध्यान देते? क्यों नहीं वो वहाँ के युवाओं पर ध्यान देते? सिर्फ राजधानी बना देने से उसका विकास होगा, इसमें कोई मतलब मैं तो नहीं मानता इस चीज को। तो पहाड़ के विकास पर आपकी क्या राय है? पहाड़ के विकास पर मेरी निसंदेह ये राय है कि जो भी पहाड़ के राजनेता जो वहां से चुनाव लड़के चुनाव जीत के जनता की राय से आते हैं चुनकर, वो वहां रहें, वहां के क्षेत्र का विकास करें, वहां को टूरिस्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि देहरादून में और उत्तराखंड में टूरिस्ट से जो कमाई होती है वो एक महत्वपूर्ण कमाई है पहाड़ों की राजस्व के लिए, तो उसके लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस डेवलप करें या जो भी करें, लेकिन वहाँ रहें, वहाँ पे जागरूकता फैलाएं, एजुकेशन दें लोगों को। यहाँ आ जाएंगे तो वहाँ के क्षेत्र के लोगों को भी यही लगेगा कि हमारा राजनेता तो नीचे चल जाता है क्योंकि वहाँ जिंदगी आसान है। निसंदेह वो यहाँ आ जाते हैं और इसी वजह से क्षेत्र के लोगों को ऐसा लगता है कि वो यहाँ आएंगे। और वो यहाँ कैसे आएंगे कि राजधानी बना दी जाए। राजधानी बनाने से नेता वहाँ नहीं रहेगा, वहाँ भी राजधानी बना देंगे तो भी वो आके सुगम जिंदगी जीने के लिए देहरादून में ही रहेगा। मेरा तो यही मानना है कि बिना राजधानी चेंज करने से विकास का कोई लेना देना नहीं है। राजधानी चेंज करने से विकास का अगर लेना देना होता तो हिंदुस्तान के काफ़ी सारे शहर ऐसे हैं जो राजधानी होते हैं अपने अपने राज्यों की। जी, तो यही मैं सवाल आपसे भी करना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि जो इन्होंने बात बताई कि राजधानी के नाम पर एक तो राजनीति खेली जा रही है और कोई भी राजनेता इसको नहीं कर पाएगा पूरा, तो आपका क्या मानना है? देखिए राजधानी के नाम पे राजनीति तो हो ही रही है और वहाँ यदि राजधानी बनती है तो मेरा जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण है वहाँ से पलायन रुकेगा। जब वहाँ से पलायन रुकेगा, वहाँ जब जनसंख्या रहेगी, युवा रहेगा, तो इन नेताओं का जो पहाड़ से पलायन राजधानी सुगम की तरफ हुआ है ना, राजधानी की तरफ, तो पहाड़ में भी जाकर वहाँ रहेंगे और फिर वो वहाँ वोट की राजनीति करेंगे तो चाहेंगे कि वहाँ विकास करें हम। विकास होगा तो रोज़गार बनेगा, तो रोज़गार होगा तो जो पलायन का मुख्य मुद्दा है कि पहाड़ पूरा खाली हो गया है, केवल चुनाव के समय ही वहाँ जाना होता है, तो वहाँ स्थायी रूप से वहाँ युवा रहेंगे। और आप ये चीज़ को देख लीजिए कि बाहर वहाँ के लोगों ने अपने गाँवों के ज़मीनों को बेच दिया और बाहरी लोग आकर वहाँ रिजॉर्ट्स क्या बना रहे या होम स्टे टाइप की योजनाएँ बना रही, और बाहर लोग आते हैं और वहाँ जब स्नोफॉल होगा तो इन्जॉय करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वहाँ का मूल युवा जब वहाँ रुकेगा तो रोजगार बढ़ेगा, पलायन रुकेगा तो नेता लोग भी वहां पर रहेंगे, क्या है आपका देहरादून छोड़कर वहां रहेंगे। जी, तो आपका क्या मानना है इस पर? मेरा तो कहना यह है कि आपको हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ मालूम है ना, और चंडीगढ़ बिल्कुल कोने में है हरियाणा के भी और पंजाब के भी, तो हरियाणा पंजाब का विकास का रुका है क्या कहीं? मेरे ख्याल में कोई भी दक्षिणी हरियाणा का आदमी जाकर के चंडीगढ़ में तो बस नहीं रहा, अपने क्षेत्र में ही रह रहा है, वहीं का विकास हो रहा है। इसी तरह पंजाब का भी, अमृतसर का विकास भी उसी तरह हो रहा है जिस तरह से लुधियाना का या जलंधर का हो रहा है, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। बल्कि होगा ये कि हजारों करोड़ रुपया जो नई राजधानी के विकास के लिए थी वो कहाँ से आएगा? पर कहीं ना कहीं कुछ जैसे नफा होते हैं तो मतलब फायदे भी होते हैं, तो जो इन्होंने फायदे गिनाए कि जो पलायन की समस्या रुकेगी, विकास होगा और भी तमाम चीज़ें। पलायन के लिए राजधानी बनानी जरूरी थोड़ी है, आप वहाँ विकास करिए ना, आप उनको नई नई योजना दीजिए, वहाँ पर खेती का विकास करवाइए, उन लोगों को कहिए कि आपकी खेती में आप फलानी फलानी फसल लगाइए, सरकार खरीदेगी, सरकार उसकी मार्केटिंग करेगी तो लोग करेंगे खेती। कहाँ हो रहा है ये सब, सारा पैसा जो आता है वो वहीं से बंदर बांट होती है, मैदानों में आकर के उनके मकान बन जाते हैं। समस्या वहाँ है, समस्या है इस
नौकरशाही और राजनेताओं का जो गठजोड़ उत्तराखंड को लूट रहा है, जब तक ये खत्म नहीं होगा तो राजधानी आप चाहे बद्रीनाथ में बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उत्तराखंड में। जी तो आपकी क्या इस पर राय? इस पर राय बिल्कुल सही है, जब तक आप दृढ़ इच्छा नहीं होगी नेताओं की। हमने ऐसे ऐसे नेता देखे पहाड़ से इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वो खुद देहरादून आकर प्लान कर जाते हैं और देहरादून में अपना मकान बना के आराम से रहते हैं, उसके बाद वो कोई मतलब नहीं पब्लिक से, जनता से, पहाड़ के लोगों से। इसलिए कि सामाजिक संस्थाओं को ध्यान देना चाहिए, रोजगार के लिए, पलायन के लिए रोकने के लिए दूध है और कई रोजगार दें, जिनको मतलब कई तरह से संस्था बना के, उनको एक संस्था बना के उनको पलायन रोकने के रोजगार से संबंधित। तो जैसा कि हमने तमाम लोगों से बातचीत की तो उन्होंने ये बात सबसे पहले रखी कि रोजगार मिलेगा लोगों को अगर गैरसैंण राजधानी बनती है। तमाम उन्होंने हमें फायदे गिनाए कि रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, विकास होगा, तमाम चीजें। तो इस पर आपका क्या राय है कि वाकई में अगर गैरसैंण राजधानी बन जाती है तो बदलाव आएगा? देखो, गैरसैंण राजधानी बनना सिर्फ एक अट्रैक्शन है, अगर हम कुछ चीज देंगे नहीं वहां पर तो वहां से लोग कैसे रुकेंगे, वहां के लोग। तो उनको अगर रोकना है, पहाड़ का विकास करना है, तो हमें कुछ ऐसी चीज वहां देनी पड़ेगी। तो आपको क्यों लगता है कि 21 सालों से राज्य को बने 21 साल हो चुके हैं, तो 21 सालों से क्या विकास नहीं हुआ है, किस सरकार की वजह से विकास नहीं? सरकार तो दोनों आई, विकास इन एक्चुअल या ग्राउंड में कहो तो नहीं हुआ है। अगर हुआ होता तो आप यहाँ से 100 किलोमीटर आगे पहाड़ पर चल जाओ, आपको कोई नहीं मिलने का। इतना अच्छा एक प्रदेश है, अगर वहाँ पे विकास हुआ होता तो लोग वहाँ मिलते, लाइट जलती, गांव के गांव खाली पड़े हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है, और ना होने का मतलब है कि विकास नहीं हुआ, पलायन हुआ है। और अगर गैरसैंण सेंटर में हम अगर बाई चांस देते भी हैं, राजधानी बनती भी है, तो कई हजार लोग जाएंगे, कईयों को रोजगार मिलेगा वहाँ के। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि 6 महीने इधर या 6 महीने उधर होना चाहिए। तो जैसे कि हमने इन तमाम लोगों से बातचीत करके ये नतीजा निकाला है कि अगर गैरसैंण राजधानी बनती है तो काफ़ी ज़्यादा फायदे होंगे और नुकसान भी लोगों ने गिनाए हैं, पर कहीं ना कहीं अगर गैरसैंण राजधानी बनती है तो रोजगार, विकास, स्वास्थ्य और भी तमाम चीज़ों में विकास की दशा जो है प्रदेश के लिए बदल जाएगी। तो और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि हकीकत में क्या है असल वजह। क्या लगता है आपको, देहरादून होनी चाहिए राजधानी या गैरसैंण? देहरादून पक्का? हाँ जी। जी, तो और लोगों से जानते हैं, आपको क्या लगता है, देहरादून राजधानी होनी चाहिए गैरसैंण? हाँ, मैं देहरादून होनी चाहिए। देहरादून जी। और आपका क्या मानना है? देहरादून। और आपका? देहरादून। तो आपकी क्या राय है? देहरादून होनी चाहिए। देहरादून। जैसे कि हमने लोगों से, आपको देहरादून में अच्छा लगता है? गैरसैंण नहीं जाना आपने? नहीं, बोलो ना। मैं कभी गया ही नहीं हुआ। तो जैसे कि हमने तमाम लोगों से बातचीत करी और जानने की कोशिश करी राजधानी देहरादून होनी चाहिए या गैरसैंण, इस पर तमाम लोगों की जो राय थी वो 90% जो थी वो देहरादून की थी कि देहरादून राजधानी होनी चाहिए। गैरसैंण को अभी लोग जानते नहीं हैं, इसलिए पहाड़ों का विकास ज़रूरी है लेकिन राजधानी के लिए देहरादून परफेक्ट है। तो इसलिए हमने लोगों से बातचीत करके ये नतीजा निकाला है कि देहरादून राजधानी होनी चाहिए, और जो गैरसैंण को लेकर चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं सभी पार्टियां एक राजनीतिक दांव पेच खेल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ मैं निशी भाटिया, देहरादून।